हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैजिक ऑफ मेंटल्स में। मैं हूं पंकज। और गाइस, आज कुछ धमाकेदार देखने के लिए आप लोग तैयार हैं। इसमें धमाका तो नहीं होगा, लेकिन गाइस ये वीडियो बहुत ही कमाल का होगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है डेटॉल। आप लोग देख सकते हैं डेटॉल लिक्विड। ये हमारे नॉर्मली नहाने के पानी में अगर आप लोग को कुछ धुली उली दाद वाद हुआ होगा तो उसके लिए ये यूज़ होता है। और गाइस, ये है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो आप लोग देख सकते हैं। अब गाइस, इन्हीं दोनों को मिला के आप लोग जानती हैं ब्लीचिंग पाउडर मतलब कुछ भी चीज़ का कलर उड़ा देता है। नॉर्मली कपड़े वपड़े का जो हम लोग अगर पानी में डाल के इसे धोएंगे तो जो हमारा ये हरा पैंट है वो हो जाएगा सफ़ेद, और जो हमारा सफ़ेद शर्ट का क्या होगा वो तो पता नहीं गाइस, लेकिन जो ये हमारा हरा वाला पैंट है इसका कलर उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सफ़ेद। तो गाइस, इसमें देख सकते हैं आप लोग डेटॉल है, तो डेटॉल का ये रंग उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, ये किसी भी चीज़ का रंग उड़ा सकता है लेकिन इसका उड़ाएगा नहीं, ये देखते हैं। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे डिस्पोजर ले लेते हैं। उसके बाद गाइज, हम लोग डेटॉल को खोल लेंगे। जो हमारा डेटॉल को हम लोग खोल लिया, अब गाइज इसमें डाल देते हैं। ये गया अंदर हमारा गाइज ये आपको किसकी तरह दिख रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, अब डाल दिया हम लोगों ने डेटॉल लिक्विड को इसके अंदर। अब आप लोग देख सकते हैं ये है ऐसा। अब गाइज, मैं इसमें डालने वाला हूँ ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका क्या रिएक्शन होगा वो देखने के लिए तैयार हो जाइए गाइज। तो गाइस, अब मैं इसमें डालने वाला हूँ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमारा डेटॉल लिक्विड है। अब गाइस, इसमें लगभग इतना डाल लेते हैं गाइस, इतना डाल लेते हैं इसमें। अभी तो इसमें कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये जो इसमें घुलता है गाइस, ये घुला नहीं है। अब अपन लोग इसे कुछ घोल के देखते हैं थोड़ा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसके धीरे धीरे ये वाइट होते जा रहा है। वाइट तो नहीं, लेकिन डेटॉल और जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर था वो मिक्स हो गया। फिर भी गाइस, नॉर्मल जो हमारा डेटॉल का लिक्विड देखे हैं आप लोगों ने, उसका कलर अलग होता है। अभी आप लोगों ने कुछ ही देर पहले देखा होगा, तो ये अभी भी अलग हो गया, और जो ये नीचे रहता है ये मिला नहीं है गाइस। आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल चाय की तरह, जो हमारा फिक्का चाय होता मतलब लाल चाय या ग्रीन टी जो भी बोल सकते हैं आप लोग, ये वैसे ही लग रहा है। तो गाइस, मैं इसमें थोड़ा सा और डालता हूँ। तो ये डाला हम लोगों ने, इसके बाद मैं इसे मिलाता हूँ गाइस। अब गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल से बदल गया। जो पहले आप लोगों ने डेटॉल लिक्विड देखा था उसका कलर अलग था, और इसका कलर अलग हो गया। और जो नीचे जो ब्लीचिंग पाउडर था ये पता नहीं क्या बन चुका है, ये पूरी तरह से घुला नहीं है, लेकिन नीचे आप लोग देख सकते हैं हमारा नॉर्मल ब्लीचिंग पाउडर ऐसा रहता है, और ये हमारे डेटॉल में घुला हुआ नॉर्मल, और ये डेटॉल में घुला हुआ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसका भी कलर लगभग बदल गया। अगर ये हम लोगों ने किसी कोल्ड ड्रिंक के साथ किया होता तो वो उसका कलर तो पूरी तरह से उड़ जाता है गाइज, लेकिन हम लोगों ने नया ट्रिक आजमाया और इसे डेटॉल के साथ डालकर देखा, और डेटॉल का भी कलर उड़ गया है। जो डेटॉल लिक्विड हमारा होता है उसका भी कलर लगभग उड़ गया है पूरी तरह से, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर रहता है वो ऐसा। तो गाइज, आप लोगों ने देखा जो हमारा डेटॉल लिक्विड था उसका रंग पूरी तरह से उड़ चुका है। हम लोगों ने लगभग इसे 2 मिनट तक ऐसे ही रखा था। अब गाइस, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ इसमें। तो ये है हमारा डेटॉल लिक्विड। तो गाइस, ये जो हमारा था ब्लीचिंग पाउडर ये हो गया ऐसे, और जो हमारा डेटॉल लिक्विड था वो हो गया ऐसे। इसका कलर जो रहता है गाइस, इसका कलर जो पूरी तरह से निकल गया, हट गया इसका कलर, आप लोग देख सकते हैं गाइस। आप लोग बिल्कुल भी गलती से भी अपने किसी भी कपड़े में इसे नहीं डालिएगा, वरना जो आपकी फेवरेट कलर की भी शर्ट रहेगी वो पूरी वाइट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं दोनों अलग अलग है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ये हमारा डेटॉल लिक्विड। इसने इसका कलर उड़ा दिया और इसने इसका कलर बदल डाला, तो देख सकते हैं दोनों में। आई होप गाइस, आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलते हैं गाइस, अगले अमेजिंग वीडियो मिलेंगे।